ये है दुबई की एक्वेरियम, जो दुबई मॉल की ग्राउंड फ्लोर में है। ये बाहर से आपको दिख रहा है, हम लोग अभी अंदर नहीं है, पहले टिकट लेंगे। टिकट मेरा ऑनलाइन बुकिंग था। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग है या ऑफलाइन है, तो यहाँ पे जाके ऑनलाइन बुकिंग के रेफरेंस शो करने के बाद वो लोग टिकट देगा, फिर वो फिज़िकल टिकट लेके स्कैन करके आपको अंदर जाना है। ये जो भी व्यू आ रहा है ये बाहर की है, मतलब तो बाहर से आप देख सकते हो। यहाँ से टिकट लेने के बाद ए वे पे जाके फिर आपको टनल के अंदर होते हुए दुबई मॉल में, जो एक्वेरियम है उसके अंदर जाना है। तो हम लोग टिकट लेने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद, वहाँ एंट्री के सामने, अगर आप एंट्री के टाइम ना, वही लोग फ़ोटो भी निकालते हैं, बाद में वो फ़ोटो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद, टिकट लेने के बाद, फ़ोटो खिंचवाने के बाद, हम लोग हैं अभी टनल पे। जैसे ही आप टनल पे एंट्री करेंगे ना, तो ये व्यू आएगा। बहुत सारे फिश है एंड काफ़ी सारे सैंड टाइगर्स, शार्क आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऊपर की बॉक्स दिख रहा है, ये आप फर्स्ट फ्लोर में जाके ऊपर से आप एंट्री कर सकते हैं, उसका एंट्री फीस अलग है। ये जो टनल में आप जैसे ही एंट्री करोगे, उसका व्यू ऐसे ही आएगा। यहाँ से एंट्री करने के बाद सामने जो लाइट दिख रहा है, वहाँ से एग्जिट है। ये रोबोट नहीं है, ये एक फिजिकली पर्सन है जो क्लीन कर रहा है। दुबई मॉल की जो एक्वेरियम है वो कंटिन्यूसली क्लीन होता है। इतना सारे फिशेस है एंड इतना सारे शार्क है, तो उसको क्लीन रेगुलरली करते हैं। तो यहाँ से एग्जिट होने के बाद हम लोग जस्ट वहाँ से एंट्री करके यहाँ से एग्जिट हो रहा है। करने के बाद आपको ये गाइडेड रूट रहेगा, जो फ्लोर में स्पेस्ड किया हुआ है। ऐसे होते हुए आपको एस्केलेटर के थ्रू अंडरवाटर जो ऑन द लेवल 2 पे है, एस्केलेटर से निकलने के बाद ऐसे ही फिर इंडिकेशन है। यहाँ पे फिर आपको टिकट स्कैन करवाना है फर्दर आपको अंडरवाटर जू में एंट्री करने के लिए। यहाँ पे टिकट स्कैन करने के बाद आपको अंदर जाके फिर आप बाकी सारे चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं अंडर वाटर जू पे। यहीं पे आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे रेन फॉरेस्ट, पेंगुइन कोव, रॉकी शोर, सीस्केप, क्रोकोडाइल किंगडम, नाइट क्रेचेस एंड आप ग्लास वाला बोट भी यहाँ पे राइड कर सकते हैं। तो ग्लास वाला बोट जो है, जो दुबई एक्वेरियम के वाटर में 30 मिनट्स की एक राइड करवाते हैं, उसकी चार्जेस अलग है, वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू पब्लिक के लिए ओपन हुआ था 2017 में। यहाँ पे जैसे वाटर में बहुत सारे शार्क हैं, सैंड टाइगर शार्क्स, बहुत बड़ा सा एक टैंक में वो शार्क हैं, एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रोकोडाइल जो किंग प्रॉक एंड इस क्वीन, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो जोन से, वो जोन आप यहाँ पे मेंशन है, जैसे रेन फॉरेस्ट आप क्रॉस करेंगे तो ये जोन सबको मेंशन रहेगा, वो शो करेगा। वहाँ पे आप ऐसे ही आप फॉलो करके आप उसको विजिट कर सकते हैं। जैसे ये है पेंगुइन कोव, पेंगुइन कोव जाने के लिए एक ग्लास की एक फ्लोर है, यहाँ से क्रॉस करने के बाद आपको पेंगुइन कोव में जाना है। एक ग्लास की जस्ट लेफ्ट साइड में एक काउंटर है, अगर आपको ग्लास वाले बोट राइड करना है तो उसका टिकट यहीं से मिलेगा। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको पानी के ऊपर, वो बोर्ड राइड हम लोग अभी करेंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये टोटल कंटिन्यूअसली ये लोग टैंक को क्लीन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे फिश है इसमें। टैंक की जो कैपेसिटी है वो 10 मिलियन लीटर वाटर वाली टैंक की कैपेसिटी है। ग्लास बोर्ड की कैपेसिटी है 8% की। टोटल 30 मिनट से
हम लोग अभी बोट के अंदर हैं। ये पूरा सर्किल लेके एक राउंड देगा और बीच में ये रुकेगा। ये देखो आप, नीचे टोटल हम लोग वही एंट्री पोजीशन से आए, तो इसकी जो ग्लास बोट के नीचे से आपको टोटल व्यू मिलेगा एंट्री पोजीशन की। नीचे टैंक में जो भी फिश है, मैक्सिमम फिश की व्यू आपको बोट के अंदर बैठ के मिल जाएगा। तो ये हम लोग अभी है ग्लास बोट के अंदर। अगर पानी का नीचे वाला व्यू चाहिए तो आपके मोबाइल या ग्लास बोट के फ्लोर पे रख दो। तो हम लोग हैं अभी टोटल 8% बोट में, टोटल 30 मिनट्स की जर्नी। And here we are cruising about 10 million liters of seawater. Okay? 10 million liters of seawater, ocean water, okay? From the ocean at Jebel Ali. Okay? So here we filter it every 85 minutes. We recycle the water every 85 minutes. It's clean for the fishes and sharks in there. Okay? And it's 11 meters deep. The temperature of the water, 24 degrees. Okay? In the tank there are 20,000 fishes in there, about 85 different species. Which one? Including 100 sharks and stingrays. That one, the swordfish. Swordfish, the biggest in the tank. 4 meters. This yellow fish with the black stripes, this one golden trevally, the yellow one with the stripes, golden trevally fish. You see this big fish coming here, you see this one, the one in front, giant grouper, and the one behind, like a guitar, bow mount guitar fish, all in there. This one guitar fish, bow mount guitar fish. दुबई एक्वेरियम की पानी के अंदर आप शार्क वॉक भी कर सकते हो एंड केक स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हो, जो चार्जेस है 300 to 500 दिरहम विद गाइड रहेगा। जैसे ये लोग कर रहे हैं ऐसे ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा विद गाइड। दुबई एक्वेरियम की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी की एंट्री फीस है, जैसे VIP एंट्री 450 दिरहम, अल्टीमेट एक्सपीरियंस 299 दिरहम, रेगुलर पास 199 दिरहम, एनुअल पास फॉर चाइल्ड 400 दिरहम एंड एनुअल पास फॉर एडल्ट 500 दिरहम। जो VIP एंट्री है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, उसमें ग्लास बोट टूर की चार्जेस इंक्लूसिव है एंड रेगुलर पास में वो एप्लीकेबल है। पेंगुइन केप के एरिया में ये है पेंगुइन, यहाँ पे भी आप आराम से 10-15 मिनट्स टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये पेंगुइन देखने के बाद आपको मिलेगा आगे मून जेलीफिश, ये है मून जेलीफिश एंड अपसाइड डाउन जेलीफिश। ये होने के बाद आप लोग मूव कर सकते हो आगे की तरफ। टोटल एक्वेरियम कवर करने में आपको 3 आवर्स लग सकता है, डिपेंड ऑफ आप क्या हिसाब से एक्सप्लोर कर रहे हो। ये है एरिया ऑफ रॉकी शोर। रॉकी शोर से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये बेबी शार्क है, इसको आप हाथ भी लगा सकते हो एंड दिस वे द नाइट क्रेचर्स। यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट क्रेचर्स दिखेगा। कॉर्न स्नेक, ये है रस्सी वाला ब्रिज। एट ए टाइम 6 पर्सन इसमें मूव कर सकते हैं। यहीं से आपको फुल नीचे का व्यू मिलेगा। टोटल एरिया जो ये कवर करते हैं
ऑलमोस्ट 360 डिग्री। ये व्यू लेके आप आगे मूव कर सकते हो। अगर आपको टी शर्ट लेना है एंड उसके ऊपर कैटलॉग वाइज आपको फ्लोरोसेंट वाला स्टिकर लगाना है तो यहाँ से परचेस करके टी शर्ट ले सकते हो, इमीडिएट मिल जाता है। जो कॉस्ट है 50 दिरहम टू 200 दिरहम, एक्सपेंसिव है बट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरोसेंट वाला स्टिकर है। वो करने के बाद आप आगे मूव कर सकते हो। आगे आपको मिलेगा वर्ल्ड की सबसे बड़ा क्रोकोडाइल, किंग एंड क्वीन। रियल नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ा क्रोकोडाइल देखने के बाद ही वो आपका लास्ट एक्सप्लोर है। उसके बाद आपको एग्जिट होना है। यहाँ पे गिफ्ट शॉप के अंदर होते हुए आपको दुबई मॉल के अंदर एग्जिट होगा। जो भी आप चीज़ इधर देखें वो आप इधर से परचेस कर सकते हो, बट दे आर रियली एक्सपेंसिव। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करने को मत भूलिए, कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है दुबई फ्रेम के बारे में। बाय।